कार का लगभग 60% समय गुजर जाएगा। सरकार चलाने वाले सन्यासी हैं, योगी हैं, को कम समझेंगे, राजकोष के लिए भी कुछ ना धर्म कोष के लिए कुछ दिखाई दे रहा है। जैसा बजट दिखाई दे रहा है, जैसी जिसकी समझ वैसा उसका बजट, जैसा जिसकी समझ वैसा उसका बजट, न कुछ नया जो था, न कुछ नया बजट में है, जो था वो भी खो दिया। किसानों के लिए कुछ नहीं, बेरोजगार नौजवान जो बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, बेरोजगारी कैसे खत्म हो उसके लिए भी कोई बजट में इंतजाम नहीं। किसान सबसे ज्यादा संकट में है। किसान को उम्मीद थी कि कुछ लाभ पहुंचेगा, मदद पहुंचेगा सरकार के माध्यम से, केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार मिलकर के उनका भाग्य बदलेगी, लेकिन किसान को भी दोनों बजटों को देखने के बाद संकट में डाल दिया है। और ये सरकार ऐसी है जिसने सूरज को भी धोखा दे दिया। आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात इन्वेस्टर्स ने जो कही, वो कहा कि हम सोलर एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन जो बजट दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी के लिए कोई बजट नहीं है खत्म करने के लिए, उसी तरीके से सोलर एनर्जी जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का वादा किया था उसके लिए भी कोई बजट नहीं है। स्मार्ट सिटी कितना जमीन पर है उसकी सच्चाई पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। स्मार्ट सिटी के लिए तो 2000 करोड़ रुपए, शहरों में घनी आबादी में लोग रह रहे हैं, आसपास कूड़ा दिखाई दे रहा है, मलिन बस्तियां हैं, उसके लिए केवल 426 करोड़। हमारे किसानों का गन्ने सूख रहा है, चीनी मिल मालिकों के से मिलकर के सरकार और अपने उद्योगपतियों से मिलकर के सरकार चीनी बाहर से मंगा रही है, लेकिन किसानों की उन्हें परवाह नहीं है। गन्ना खेतों में सूख जाए और इस पिराई सत्र का तो भूल जाइए, पुरानी पिराई सत्र का भी कोई पैसा अभी तक गन्ना किसानों का भुगतान नहीं करा पाई सरकार। किसान की जो बोरी में से 5 किलो हटाया गया था, 5 किलो जो खाद कम की गई थी, इस बजट के माध्यम से उसकी भी कोई भरपाई नहीं है। हमारी गाय मां बचाने के लिए, गाय मैया बचाने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए कई जगह पैसा लिखा गया है, बजट में कई लाइनों में लिखा गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार ये बताए कि क्या 42,000 रुपए प्रति गांव को मिल जाने गौ सेवा हो जाएगी। 42,000 रुपए केवल एक गांव को मिलेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य, न स्वास्थ्य के लिए कुछ, न ही शिक्षा के लिए, न ही स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कुछ, और न ही सुरक्षा के लिए कुछ। स्वास्थ्य के लिए तो पूरी चरमरा गई है व्यवस्थाएं, गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है। और मैंने कई मौकों पर कहा कि ये सरकार ऐसी है, मरीज की पहले जात पूछती है तब जाकर के इलाज आगे बढ़ता है।
कोई इलाज के लिए इंतजाम नहीं। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी का तो चाहे पैसा न देते लेकिन कम से कम गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को तो सुविधाएं दे देते। वहां के स्टाफ, वहां के मेडिकल स्टाफ, वहां के टेक्निकल स्टाफ जो मांगे हमेशा रही हैं कि पीजीआई के बराबर उन्हें सहूलियत मिले, उन्हें पीजीआई के बराबर भत्ते मिले, समाजवादी सरकार ने शुरू कर दिया था देना पीजीआई के बराबर। लोहिया इंस्टीट्यूट है उसको मिलने लगा था, लोहिया में रहने वाले कर्मचारियों को मिलने लगा था, केजीएमयू को भी मिलने लगा था और तैयारी ये थी कि धीमे धीमे हर मेडिकल कॉलेज को व्यवस्था मिल जाएगी। ना कोई नया मेडिकल कॉलेज बनाने का, मेडिकल कॉलेज बन भी रहे हैं उनको पूरा करने के लिए भी बजट में कोई इंतजाम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है ऑर्डर समाजवादी सरकार में सबसे रिस्पॉन्स सिस्टम 100 नंबर, उस 100 नंबर को और कैसे, सरकार के पास कोई योजना नहीं है। जो गाड़ियां मिलना शुरू हो गई थी पुरानी अगर हो गई तो उनको नया नहीं रिप्लेस कर पा रहे हैं। न कोई गाड़ी का इंतजाम और ना ही कोई सहूलियत दी गई और जितना भी काम चल रहा था पुरानी सरकार में वो भी अभी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। सबसे बेहतरीन पुलिस भवन भी बन रहा था, पिछले 2 साल से ऐसा ही अटका हुआ है काम। काम इसलिए नहीं पूरा सरकार कर रही है कि कहीं समाजवादी लोगों का इसको फायदा ना पहुंच जाए, बोर्ड के माध्यम से लाभ ना पहुंच जाए इनको। पुलिस का भवन वैसा ही का वैसा पड़ा हुआ है और अगर समाजवादी सरकार होती तो अभी 100 नंबर में न जाने कितनी इनोवा गाड़ियां आ गई होती जो हमारे सिपाही और हमारे हेड कांस्टेबल जाते और समय पर पहुंच करके लोगों की जिंदगियां बचा लेते। प्राइमरी स्कूल की क्या है इंतजाम वो तो आपको बेहतर पता है, कोई शिक्षा के लिए नहीं, नया कोई सैनिक स्कूल नहीं। जो सैनिक स्कूल के लिए पैसा दिया भी गया है वो समाजवादी सरकार में जो सैनिक स्कूल बनना शुरू हुए थे काम धीमा कर करके अब उसको बजट दिया जा रहा है। कोई नया सैनिक स्कूल के लिए इंतजाम नहीं किया, ना कोई नया सैनिक स्कूल खुलने जा रहा है यहाँ पर। जो एक्सप्रेस वे के लिए पैसे दिए गए हैं इस पैसे से जो रास्ता साफ होगा ना घास हट पाएगी और ना ही खेतों की मेड़ टूट पाएगी। कैसे उम्मीद करेगा कोई कि 1,000 करोड़ केवल पैसे मिल जाने से एक्सप्रेसवे बन जाएगा पूर्वांचल वाला। ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जिसको समाजवादी सरकार ने शुरू किया था, बजट जमीन को लेने के लिए इंतजाम किया गया था, 70% से ज्यादा जमीन ले ली गई थी और ये सरकार लगभग 2 साल गुजार चुकी है अभी तक उसमें घास और मेड़ नहीं हटा पाई है। गोरखपुर कब जुड़ेगा और बुंदेलखंड जैसा एक्सप्रेसवे बन जाता उसके लिए। ये बजट तो चुनाव वाला भी नहीं निकला। कैंसर इंस्टीट्यूट बन जाती, काम डिले इसलिए किया जा रहा है कि समाजवादी लोगों के गुणगान ना हो जाएं। पिछले 2 बार से बजट नहीं दिया गया, लगातार उसका काम रोका गया। अब इस बजट में पैसा दिया है लेकिन इससे कोई कैंसर संस्था पूरी बनने वाली नहीं है। बहुत बड़ा फैसला लिया है सरकार ने कि 22 करोड़ पेड़ लगाएंगे। 22 करोड़ पेड़ों के लिए जमीन उत्तर प्रदेश में कहां है? मौकों पर कहा कि 1,000 एकड़ है, अगर 1,30,000 पेड़ लगाए जाएं तब हमें खुशी इस बात की कि जितनी मेट्रो समाजवादी सरकार में बन रही थी उसके अलावा कोई मेट्रो तीसरे बजट में अब पैसा दिया गया तब शुरू कर पाएंगे और वो भी शिलान्यास का शिलान्यास होगा। उद्घाटन तो कर ही चुके हैं पुरानी सरकार के कार्यों का। कानपुर में मेट्रो बनेगी,
काम रोक करके दोबारा शिलान्यास करेंगे। आगरा में वही योजना जो समाजवाद वही शुरू करने जा रहे हैं, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, ये पता नहीं कब बनेंगी, लेकिन हमें इंतजार होगा कि गोरखपुर में कब मेट्रो बने। कोई नया सैन्य स्कूल नहीं, और सोचिए राजकीय इंटर कॉलेज बालक और बालिकाओं के लिए केवल 10 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए कुछ नहीं। मेक इन इंडिया कैसे होगी जब बजट ही नहीं हो उसके लिए कुछ। इसलिए मैं आखिरी में कहूंगा कि ये बजट धोखा देने वाला निकला। किसान, बेरोजगार नौजवान, व्यापारी, किसी के हित में ये नहीं है। न शिक्षा है इस बजट में, न ही स्वास्थ्य के लिए कुछ है, न ही स्वास्थ्य शिक्षा के लिए है, और न ही किसी की सुरक्षा के लिए इस बजट में कुछ है।